यूं तो सनी देओल ने अपने 4 दशक लंबे कैरियर में तमाम तरह के रोल किए हैं, लेकिन जब वो पर्दे पर एक्शन करते हैं तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। और जब वो दमदार डायलॉग बोलते हुए सामने वाले को घूरते हैं तो ऐसा लगता है मानो सचमुच उसे कच्चा चबा जाएंगे। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम सनी देओल की एक ऐसे ही दमदार एक्शन फिल्म घायल की बातें करेंगे और जानेंगे इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। यू बास्टर्ड बलवंत राय, अगर कल सुबह तक मेरा भाई वापस नहीं आया मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले। कोई सुन रहा है क्या? मेरे भाई को मारकर फेंक डाला, मेरे भाई को मारकर फेंक डाला। विजेता फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था धर्मेंद्र ने, तथा इसके कहानीकार, पटकथा लेखक व निर्देशक थे राजकुमार संतोषी। तकरीबन 2 घंटे 43 मिनट लंबी इस फिल्म के संवाद लिखे थे दिलीप शुक्ला ने, तथा इसे रिलीज किया गया था 22 जून 1990 को। फिल्म घायल में प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पुरी, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी, ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा, सुदेश बेरी, अन्नू कपूर, शरद सक्सेना, विजू खोटे, मुकेश ऋषि आदि। संगीतकार बप्पी लहड़ी के धुनों से सजे और गीतकार अनजान तथा इंदिवर के कलमबद्ध किए कुल 6 गाने फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल थे, प्यार तुम मुझसे करती हो, माहिया तेरी कसम के 2 वर्जन, प्यासी जवानी है और सोचना क्या है के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी मखमली आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, एस जानकी, अमित कुमार, पंकज उधास, शब्बीर कुमार और कुमार सानू ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म घायल साल 1990 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 2रे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 9.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म दिल, जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा 3रे स्थान पर रही फिल्म आज का अर्जुन, जिसने 7 करोड़ रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, सनी देओल के द्वारा निभाए गए नायक की भूमिका के लिए राजकुमार संतोषी की पहली पसंद कमल हासन थे। कहा जाता है कि संतोषी साहब ने फिल्म में अजय मेहरा की भूमिका उन्हीं को ध्यान में रखकर लिखा था। खैर, जब उन्होंने फिल्म के लिए प्रोड्यूसर तलाशना शुरू किया तो कमल हासन को हीरो लेकर कोई भी इसे प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में संतोषी साहब ने उन दिनों के सबसे चहेते हीरो मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म के लिए मनाया और सोचा कि अब तो प्रोड्यूसर मिल ही जाएंगे। लेकिन अब भी परिणाम शून्य रहा, क्योंकि संतोषी साहब इससे पहले कला फिल्मों के मशहूर निर्देशक गोविंद निहलानी के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते थे। अतः प्रोड्यूसर्स को लग रहा था कि संतोषी एक कला फिल्म ही बनाएंगे, जो कि सराही तो खूब जाएगी पर कमाई के मामले में एक धेला भी कमा नहीं पाएगी। फैक्ट नंबर 3, जब कमल हासन के बाद मिथुन चक्रवर्ती को बतौर हीरो लेकर भी राजकुमार संतोषी प्रोड्यूसर ढूंढने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने ए सुब्बा राव नामक एक फिल्म फाइनेंसर को इसे प्रोड्यूस करने के लिए मनाया। लेकिन सुब्बा राव ने शर्त रखी कि फिल्म में बतौर हीरो संजय दत्त को लेना होगा, परंतु उन दिनों संजय दत्त काफी व्यस्त थे, अतः उन्होंने भी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। ऐसे में परेशान राजकुमार संतोषी ने सुब्बा राव को सनी देओल का नाम सुझाया। उन दिनों सनी देओल की राम अवतार और डकैत जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था और उनका कैरियर थोड़ा बुरे दौर से गुजर रहा था। अतः सुब्बा राव ने संतोषी साहब से कहा कि सनी देओल को अपना फीस कम करना होगा। जब संतोषी साहब ने इस बारे में सनी देओल से बात की तो वो अपना फीस कम करने के लिए तैयार हो गए और कहा कि मेरे फीस कम करने के बारे में अन्य किसी को पता न चले।
खैर इसी दौरान सनी देओल और राजकुमार संतोषी धर्मेंद्र साहब से मिलने फिल्म बंटवारा के सेट पर गए, जहां बातों बातों में राजकुमार संतोषी ने घायल फिल्म का जिक्र धर्मेंद्र से किया। जब धर्मेंद्र को पता चला कि सुब्बा राव के कहने पर सनी अपना फीस कम कर रहे हैं तो उन्हें बेहद ही बुरा लगा। उन्होंने उसी समय राजकुमार संतोषी से कहा कि आप सनी को लेकर फिल्म की तैयारी शुरू कर दें, मैं इसे खुद प्रोड्यूस करूंगा। फैक्ट नंबर 4, फिल्म में सनी देओल को लिए जाने के पीछे एक कहानी यह भी कही जाती है कि राम अवतार और डकैत जैसी फिल्मों के खराब प्रदर्शन के बाद कोई भी निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में धर्मेंद्र खुद अपने बेटे के डूबते कैरियर को बचाने के लिए आगे आए। ठीक इसी समय खबर उड़ी कि राजकुमार संतोषी मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कोई एक्शन फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की और उनसे कहा कि मेरे बेटे सनी को एक अदद हिट की आवश्यकता है, अतः आप यह फिल्म उसे दे दें। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती ने धर्मेंद्र का सम्मान करते हुए फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद सनी देओल को इस फिल्म का हीरो बनाया गया। फैक्ट नंबर 5, जिस दिन फिल्म घायल रिलीज हुई थी ठीक उसी दिन आमिर खान की फिल्म दिल को भी रिलीज किया गया था, जो कि कमाई के मामले में घायल को पछाड़कर उस साल की शीर्ष पर काबिज हुई थी। गौरतलब है कि उस दौर में फिल्मों को री रिलीज करने का भी चलन हुआ करता था और फिल्म घायल शोले के बाद अपने री रिलीज में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। माना जाता है कि घायल ने अपने री रिलीज के दौरान 1.5 से 2 करोड़ रुपए की कमाई की और इस तरह अगर इसके कुल कमाई का आकलन करें तो घायल ने फिल्म दिल से ज्यादा कमाई की थी। खैर साल 1996 में एक बार फिर से सनी देओल और आमिर खान की फिल्में आमने सामने आई। ये फिल्में थी घातक और राजा हिंदुस्तानी। गौरतलब है कि इस बार दोनों फिल्मों के रिलीज डेट में 3 दिन का अंतर था। ये दोनों फिल्में दिवाली के आसपास रिलीज हुई थीं। इस बार राजा हिंदुस्तानी घातक पर हावी रही और जहां घातक ने 15.5 करोड़ रुपए की कमाई की, वहीं राजा हिंदुस्तानी ने लगभग इसकी तिगुनी यानी कि करीब 43.14 करोड़ रुपये कमाए। साल 1990 और 1996 के बाद इन दोनों अभिनेताओं की फिल्मों का तीसरा टकराव साल 2001 में देखने को मिला, जब सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा और आमिर खान की लगान एक ही दिन सिनेमा घरों में रिलीज हुई। कमाई के पैमाने पर अगर दोनों फिल्मों की तुलना करें तो गदर ने लगान के मुकाबले 2 गुनी से ज्यादा की कमाई की। गदर ने जहां 75.50 करोड़ रुपये की कमाई की, वहीं लगान ने 29 करोड़ रुपये ही कमाए। फैक्ट नंबर 6, फिल्म घायल की नायिका के तौर पर सनी देओल डिंपल कपाड़िया को चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र इसके लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल बात कुछ यूं थी कि उन दिनों सनी और डिंपल के नजदीकियों की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही थी। ऐसे में धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी नजदीकियां और बढ़े और सनी देओल के शादीशुदा जिंदगी पर प्रभाव पड़े, अतः उन्होंने नायिका की भूमिका श्रीदेवी को देनी चाहिए, लेकिन व्यस्तता का हवाला देकर उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मीनाक्षी सेशाद्री को फिल्म के लिए अंतिम रूप से चुन लिया गया। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए इसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी रिमेक किया गया। सबसे पहले फिल्म का तमिल रिमेक साल 1992 में देखने को मिला, जिसका नाम था भारतन। इस फिल्म के शीर्ष भूमिकाओं में नजर आए थे विजयकांत और भानुप्रिया। इसके 6 सालों बाद 1998 में फिल्म का तेलुगु रिमेक आया, जिसका नाम था गमयम। इस फिल्म के शीर्ष भूमिकाओं में मेका श्रीकांत और ब्रह्मानंदम जैसे कलाकार दिखे थे। इसके अगले ही साल 1999 में फिल्म का कन्नड़ रिमेक बनाया गया, जिसमें शिवराज कुमार और सुचित्रा कृष्णमूर्ति जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। बताता चलूं कि साल 2016 में फिल्म घायल का सीक्वल भी देखने को मिला, जिसका नाम था घायल वंस अगेन। इस फिल्म का निर्माण विजेता फिल्म्स के ही बैनर तले धर्मेंद्र ने किया था तथा इस बार निर्देशन की जिम्मेवारी खुद सनी देओल ने संभाली थी। फैक्ट नंबर 8, फिल्म घायल के क्लाइमेक्स में सनी देओल को एक काफी ऊंचे झूले से कूदता हुआ दिखाया गया है। इस दृश्य को शुरू में खुद सनी देओल करना चाहते थे, लेकिन फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर टीनू वर्मा ने झूले की ऊंचाई को देखते हुए उनसे यह असिस्टेंट करवाने से साफ इनकार कर दिया और खुद इसे करने का फैसला किया। सुरक्षा के लिए झूले के नीचे जमीन पर सेफ्टी बॉक्स लगवाए गए थे,
ताकि टीनू सुरक्षित नीचे लैंड कर सके। उस दिन जब वो झूले पर से नीचे कूदे तो सेफ्टी बॉक्स के भीतर न गिरकर उसके कोने में जा गिरे और वहां से टकराकर जमीन पर लुढ़क गए। अगर टीनू उस बॉक्स के कोने से न टकराकर सीधे जमीन पर गिरते तो निश्चित ही उस दिन उनकी मृत्यु हो जाती। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में राज बब्बर के किरदार का कत्ल होने के बाद उसकी लाश सड़क के बीचों बीच भरी बरसात में फेंक दी जाती है और सनी देओल का किरदार अपने भाई को बचाने के लिए चीख चीख कर लोगों से मदद की गुहार लगाता है। इस दृश्य को देखकर साल 1984 में आई दिलीप कुमार और अनिल कपूर स्टारर फिल्म मशाल की याद आ जाती है, जहाँ ऐसा ही एक दृश्य दिलीप कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है। ऐसा ही एक दृश्य साल 1997 में आई सुनील शेट्टी की फिल्म भाई में भी देखने को मिलता है, जहां उनके भाई कुणाल खेमू का कत्ल हो जाता है और उसे बचाने के लिए सुनील शेट्टी सड़क पर चीख चीख कर मदद की गुहार लगाते हैं। फैक्ट नंबर 10, अपनी पिछली फिल्मों के भांति इस बार भी बप्पी लाहिड़ी एक विदेशी गीत के धुन से प्रभावित होकर फिल्म के गीत सोचना है क्या की रचना की थी। इस गीत का धुन कौमा नामक एक फ्रेंच ब्राजीलियन बैंड के द्वारा साल 1989 में रिलीज गीत लंबाड़ा से पूरी तरह से मिलता है। इस गीत के धुन का प्रयोग साल 2011 में आई जेनिफर लोपेज और पिटबुल के गीत ऑन द फ्लोर के ओपनिंग ट्यून में भी सुनने को मिलता है। फैक्ट नंबर 11, फिल्म में सनी देओल के दोस्तों में से एक की भूमिका में नजर आते हैं बेहद ही प्रतिभाशाली अभिनेता सुदेश बेरी। इस फिल्म के लिए राजकुमार संतोषी ने जब उनसे संपर्क किया तो यह कहा था कि फिल्म में आपकी भूमिका काफी बड़ी होने वाली है और आपके हिस्से कई अच्छे दृश्य भी आने वाले हैं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सुदेश बेरी के कई दृश्यों पर कैंची चला दी गई, जिसके बाद नाराज सुदेश बेरी ने मीडिया में आकर इस बाबत अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। बताता चलूं कि फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए राजन की भूमिका के लिए शुरू में के रैना के नाम पर भी विचार किया गया था। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म के लिए सनी देओल के समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो इसके सभी स्टंट दृश्य स्वयं करना चाहते थे, लेकिन संभावित खतरों को देखकर स्टंट डायरेक्टर टीनू वर्मा के द्वारा उन्हें बार बार रोक दिया जाता। फिर भी सनी ने जिद करके कई स्टंट स्वयं किए थे, जिनमें वो दृश्य भी शामिल है जहाँ सनी एक ट्रक की मदद से दीवार तोड़कर विलेन के अड्डे के अंदर जाते हैं। इस दृश्य को बम्बई के बांद्रा में स्थित महबूब स्टूडियो में फिल्माया गया था। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म के मुख्य खलनायक बलवंत राय के रूप में अमरीश पुरी अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आए थे। ये उनकी खलनायकी ही थी जिससे सनी देओल के किरदार अजय मेहरा को फिल्म में निखरने का मौका मिला था। बताता चलूं कि इस फिल्म के लिए एक खास दृश्य की शूटिंग के दौरान सनी देओल अपने किरदार में इतने घुस गए थे कि उन्होंने अमरीश पुरी के गर्दन को काफी जोरों से जकड़ लिया था, जिस कारण उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो गई थी। यह देखकर वहां उपस्थित सनी देओल समेत पूरे क्रू मेंबर्स के होश फाकता हो गए थे। उस दिन सनी देओल अपने किए पर बेहद ही शर्मिंदा हुए और अमरीश पुरी से पूरे दिन भर बार बार माफी मांगते रहे। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म के लिए सनी देओल को उनके कैरियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उस साल अमिताभ बच्चन और सनी देओल के बीच राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, जहां अमिताभ बच्चन फिल्म अग्निपथ के लिए नामांकित थे, वहीं सनी देओल फिल्म घायल के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल थे। आखिरकार अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, वहीं सनी देओल को ज्यूरी स्पेशल राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। उस समारोह में सनी देओल को पुरस्कार देते हुए यह कहा गया था कि अमिताभ ने अग्निपथ में तो उत्कृष्ट अभिनय किया ही है, लेकिन सनी देओल के असाधारण अभिनय को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, अतः हमने उन्हें ज्यूरी स्पेशल अवार्ड देने का फैसला किया है। सनी देओल के अलावा धर्मेंद्र साहा को भी बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। फैक्ट नंबर 15, साल 1991 में आयोजित 36वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में घायल को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर और बेस्ट एडिटर समेत कुल 8 नॉमिनेशंस हासिल हुए थे। इनमें से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के कैटेगरी में ओम पुरी को हार का सामना करना पड़ा था और बाद बाकी अन्य 7 कैटेगरीज में फिल्म ने जीत हासिल की थी और उस साल सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म भी बन गई थी।
बताता चलूं कि इस साल की सर्वाधिक कमाओ फिल्म दिल को भी कुल 8 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए केवल एक ही अवार्ड हासिल कर पाई थी। तो ये थी साल 1990 में आई सनी देओल की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म घायल पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।